आज कॉलेज बंक करके हम लोग निकले हैं घूमने। हुआ यूँ कि कॉलेज गए और वहाँ पर जो है एंट्री नहीं दिया लेट होने की वजह से, तो हुआ कि क्या करेंगे रूम पे बैठ के, तो आज निकल गए हैं सुसाइड पॉइंट जो कि आसपास है। और कुछ यूँ प्रकार इसका रास्ता है, पूरा जंगलों के बीचों बीच एक प्यारा सा रास्ता है सकरा सा। और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं सुसाइड पॉइंट में, मेरा मेरी धन्नो, और नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं और रास्ता कुछ इसी प्रकार का है। देख सकते हो बहुत अच्छा वाइब है। वैसे अफसोस नहीं है इस रास्ते पे आने के बाद कि हाँ कॉलेज छूटा है, अटेंडेंस की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये लास्ट टाइम जब आए थे ये सब रास्ता तो अच्छा था, काफ़ी दिनों से बना नहीं है, तो हो सकता है बारिश की वजह से रास्ता ख़राब हो चुका हो। फाइनली हम लोग आ गए कंडोली रोड पे, यहाँ का वाइब देख सकते हो। ये कंडोली मार्ग है, जंगल के रास्ते पता नहीं कैसे कैसे घूम के इस रोड पे आना था, आ गए। अब ये रास्ता सीधे सुसाइड पॉइंट जाएगा जिसे मैगी पॉइंट भी कहते हैं। एक बहुत प्यारा कॉलेज है UPS। डेंजर रास्ता बहुत अच्छा, लेकिन रिक्स नहीं तो रिक्स कैसा यार। आगे नीचे दिख रही हो राइडिंग करने में बहुत मजा आएगा, यो कर्व इतना अच्छा है ना। प्यारा रास्ता है, सच पूछो तो राइडिंग करने में ऐसे ही रास्तों में मजा आता है। वन लेन हो, दोनों साइड जंगल और पहाड़ कि नहीं। आ गए हैं ये जो टर्निंग जाता है सुसाइड पॉइंट के ऊपर, और यहाँ का रास्ता देख ही सकते हो आप, बहुत डेंजरस रास्ता है और बरसात में तो पूरा अवॉइड करें इस रास्ते को। और यही एक रास्ता भी है ऊपर जाने का। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो बारिश हो गई थी, तो इतना स्लिपरी रास्ता हो गया था क्या बताएं यार। ये यहाँ से सीधे जाओगे ऊपर, ऊपर में बहुत ओपन एरिया मिलेगा आपको,
और यहाँ आने में ना प्रो ड्राइवर हो तो ही ठीक है, क्योंकि रास्ता तो पतला है ही, बगल में खाई है। ये रहा ओपन एरिया और लास्ट टाइम यहीं तक आए थे, आज इसके आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये वैसे कॉलेज बॉयज के लिए पार्टी करने के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। आगे इसमें कोई झील वगैरह भी है तो देखेंगे, फॉल वगैरह अगर हुआ किस्मत साथ दिया। आगे का रास्ता सब ऐसे ही मिलने वाला है। आगे का रास्ता बहुत प्यारा बाइक है, यहाँ पे फोटो क्लिक किए सबसे बेस्ट। नाइट कैंपिंग वगैरह अगर इच्छा हो तो बेस्ट प्लेस है कैंपिंग वगैरह के लिए, और यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह भी रहते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे एक हफ्ते पहले एक बांग देखा गया था, उसके बाद तो अभी नहीं, लेकिन ठंडियों में मैक्सिमम दिखते हैं जानवर, धूप लेने के लिए बाहर आते हैं सब यही पहाड़ में। और यहाँ पे आने के लिए हम तो सजेस्ट करेंगे बाइक का टायर भी नया होना चाहिए, नहीं तो इसमें अगर बाइक पंचर हो गया, ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत होगा, जैसे कि इसके आसपास कोई सहारा भी नहीं है। मौजी चले जा रहे हैं जंगल में, वैसे ये कोई रास्ता वगैरह है, घूम रहे हैं बस खो न जाएं जंगल में। वैसे जिसने फोन पकड़ रखा है उसको तो बहुत डर लग रहा है, बहुत मना किया कि नहीं नहीं जाना नहीं जाना, बट मजा ही कहाँ बिना डर के। मेरा हरदम से यही इच्छा थी जंगलों में घूमना, ये वो तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, सोचे आप सबको भी दिखाई दे। ये है जंगल, आगे चले कि छोड़ दें। फाइनली हम लोग का यहाँ पे एडवेंचर ट्रिप हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बंदर आ गया है ये, और इधर ही देख रहा है यार, अब कुछ भी हो सकता है इसलिए निकल लेते हैं, इसी में भलाई है, जंगल के बीचों बीच रिक्स होता है। ठीक है गाइस, बाय बाय।